आप इसमें क्या काउंट करना चाहते हो, तो आप जो भी चीज काउंट करना चाहते हो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। तो हम जो भी काउंट करना चाहते हैं उसको लिखेंगे डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पर लगा रहे हैं डबल इनवर्टेड कॉमा, और हमें क्या करना है, लेस देन। लेस देन यानी कम, तो हमने यहाँ पर लिख दिया लेस देन 33, यानी 33 से कम वाली संख्याएं हमें इसमें काउंट करनी है। जितनी भी जगह 33 से कम संख्या है वो हमें काउंट करनी है। डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज, और ब्रैकेट से स्टार्ट किया था तो ब्रैकेट क्लोज, और आप करते हैं एंड। आप देख रहे हैं एक इस स्टूडेंट का एक में 32 नंबर थे, तो ये बता रहा है यहाँ पर कि एक में इसमें दिन दिन के एक एक में है। देखिए बता रहा है, अपन जैसे कि एक किसी स्टूडेंट के इसमें 35 है, इसमें अपन 30 कर देते हैं, काउंट कर दिया कि इस स्टूडेंट के दो सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर आए। समझ में, कर लेंगे अब तो कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब इसके बाद अपन को निकालना है फाइनल रिजल्ट कि ये जो स्टूडेंट है वो पास है, फेल है, या फिर इसकी सप्ली आई है, ठीक है। तो उसके लिए अपन यहाँ पर अपने पास फिर से तीन कंडीशन बन रही है, पास, फेल या फिर सप्ली। तो इसलिए अपन यहाँ पर वो फॉर्मूला यूज करेंगे इफ का, ठीक है। यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल। अभी तक अपन ने क्या किया था, परसेंटेज के बेस पर निकाल रहे थे डिवीजन, इसलिए अपन परसेंटेज का सेम एड्रेस ले रहे थे। अब आपको कैसे पता लगेगा कि इस स्टूडेंट की सप्ली है, पास है या फेल है, यहाँ से। क्योंकि अगर इस सेल में जीरो है तो मतलब है कि ये स्टूडेंट एक भी सब्जेक्ट में फेल नहीं है। अगर इस सेल में एक है तो क्या है, उसकी सप्ली है। अगर दो है तो भी अपन सप्ली मान लेते हैं, अगर मानना चाह रहे हो, नहीं तो आप उसको भी रहने दो, ठीक है। अगर तीन है तो इसका मतलब क्या है, स्टूडेंट तीन सब्जेक्ट में फेल है तो फेल माना जाएगा वो। किसी की जगह पर एक तक भी मान लेते हैं कि एक सब्जेक्ट में फेल है तो सप्ली, नहीं तो फेल। हाँ, बोर्ड में दो, ठीक है। आ रहा है समझ में, इस सब्जेक्ट यहाँ पर सप्ली के जगह पर यहाँ पर टू क्यों लिखा है, टू क्यों लिखा है बताइए, क्योंकि ये स्टूडेंट दो सब्जेक्ट में फेल, ठीक है। ठीक है, तो अपन को यहाँ पर ये फाइनल रिजल्ट निकालना है कि अगर ये फेल है तो यहाँ पर फेल आना चाहिए, पास है तो पास आना चाहिए, सप्ली है तो सप्ली आना चाहिए, इक्वल। अब आप अपना थोड़ा सा माइंड लगाना, हमने यहाँ पर दिया इफ फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, सप्ली के ऊपर क्लिक किया। इफ यानी कि यदि इस सेल के अंदर, इक्वल यानी कि बराबर, ठीक है, जीरो। अगर इस सेल में जीरो है तो आप क्या बता रहे हो, क्या होना चाहिए, ये स्टूडेंट एक भी सब्जेक्ट में फेल नहीं है तो क्या आना चाहिए, पास आना चाहिए। तो अपन ने यहाँ पर क्या दिया था, अगर इस सेल में यानी M3 सेल में इक्वल है जीरो, अगर इस सेल में जीरो है तो के लिए अपन लगाएंगे कॉमा, डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर जो आपको आउटपुट में चाहिए वो आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे अपन, पास, ठीक है, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है। ये आपकी होगी पहली कंडीशन, अगर इस सेल में जीरो है तो पास आना चाहिए। अब अपन दूसरी कंडीशन लिखने के लिए लगा रहे हैं कॉमा, ठीक है। अब अपन यहाँ पर लिख वही फंक्शन लगाएंगे, पहले इफ लिखेंगे ब्रैकेट, फिर से अपन सप्ली के सेल एड्रेस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब आप क्या चाहते हैं, अगर जैसे कि आप चाहते हैं एक सब्जेक्ट में सप्ली मान रहे हैं तो इक्वल वन लिख दीजिए, अगर इस सेल में वन है तो सप्ली, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि दो सब्जेक्ट में स्टूडेंट फेल होता है तो उसकी सप्ली होनी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पर देंगे लेस देन। लेस देन और ग्रेटर देन समझते हैं, ग्रेटर देन क्या होता है, कोई संख्या लिखी है उससे बड़ी संख्या, और लेस देन क्या होता है, जो भी संख्या लिखी है उससे छोटी संख्या। तो हम यहाँ पर दे देंगे लेस देन 3, क्यों दे रहे हैं कि अगर इस सेल में लेस देन 3 यानी तीन से छोटी कोई संख्या है, तीन से छोटी कौन कौन सी संख्या हो गई, एक और दो, तो आंसर क्या आना चाहिए अपना, सप्ली। और अगर आप यहाँ पर दूसरी कंडीशन देना चाहते हैं, तीन नहीं लिखना चाहते, तीन में कंफ्यूज हो रहा है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं इक्वल और लेस देन 2, अगर दो के बराबर संख्या है, मतलब दो ही है या फिर दो से छोटी संख्या नहीं बने, वो जीरो भी ले लेता है लेकिन जीरो अपन ने कहाँ पर दे दी है, ऊपर दे दी है, इसलिए वो जीरो को काउंट नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे सही चीज क्या है, आप यहाँ पर लिख दीजिए लेस देन 3, लेस देन 3 यानी तीन से छोटी संख्या। अब अपन को आउटपुट में क्या शो कराना है, सप्ली, तो अपन कॉमा लगाकर डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिख देंगे सप्ली, ठीक है, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज। अगर जीरो है तो पास है स्टूडेंट, अगर तीन से कम संख्या यानी एक है तो स्टूडेंट क्या है, सप्ली है,
और इसके अलावा अगर कोई भी संख्या है, एक मतलब 2 से बड़ी कोई भी संख्या है तो क्या माना जाएगा फिर? तो आपको अगली कंडीशन देने की जरूरत नहीं है, आप कॉमा लगाएंगे, लास्ट में आप लिख देंगे यहाँ पर फिर। आया समझ में? आप कोई डाउट? डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया है अपन ने, 2 ब्रैकेट थे तो दोनों ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, अब अपन यहाँ पर इसको ट्रैक कर, ठीक है। जिस स्टूडेंट का एक भी सब्जेक्ट में मतलब एक भी सब्जेक्ट में वो फेल नहीं है, 0 है इस सेल में, तो यहाँ पर क्या दे रहा है? पास है। अगर कोई स्टूडेंट का, जैसे कि ये स्टूडेंट है, बाद में इसके नंबर कम होते हैं, जैसे कि हमने इसके 31 नंबर कर दिए, बता दे दिया उसने सबने, ठीक है। और इसी तरह से अगर इसके नंबर बढ़ जाते हैं बाद में, किसी स्टूडेंट के नंबर बढ़ जाते हैं 30 से 33 से ज्यादा हो जाते हैं, तो देखिए पास हो गए। जैसे कि ये स्टूडेंट है, अभी 2 सब्जेक्ट में बता रहा है सबली, अगर आप इसके एक किसी सब्जेक्ट में और मार्क्स कम कर देते हैं, बता रहे हैं फिर, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको सिर्फ नंबर चढ़ाने हैं, ये ऑटोमेटिक आपको दे देगा, ठीक है। अब आपने क्या करा, मान लीजिए 10th क्लास की मार्क्सशीट, ठीक है, या फिर 2023 वाली मार्क्सशीट थी, आपने राइट क्लिक किया, इस सीट को रिनेम कर दिया कि 10th क्लास, आपने यहाँ पर लिख दिया 10th मार्कशीट, या फिर जो भी आपको लिखना है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया मार्कशीट और यहाँ पर लिख दिया है 2023, ठीक है, ये 2023 की थी। अब आपको 2024 की बनानी है, या फिर आपको 10th क्लास की 9th का भी, और हर एक क्लास का इसी तरह से बनता है आंसर, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर प्लस के साइन पर क्लिक करोगे, ठीक है। प्लस के साइन पर क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे, इस पर राइट क्लिक करके इसको भी रीनेम कर लोगे, जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं 9th क्लास, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, डबल से फॉर्मूला भी नहीं लगाना, आप इस सेल, इस सीट पर जाओगे, यहाँ से इस पूरी सीट को सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल सी के साथ इसको कॉपी करोगे, आप जाओगे 9th क्लास वाले पर, और यहाँ पर जाकर आप इसको कर दोगे कंट्रोल भी। जहां जहां आपने फॉर्मूला नहीं लगाया उस जगह को तो आप डिलीट कर सकते हो, लेकिन जहां जहां आपने फॉर्मूला लगाया उसको डिलीट मत करना। अब हम क्या करना है, नंबर अकेले हम यहाँ पर इसके डिलीट कर रहे हैं, देखो सब में 0 0 आ गए, ठीक है। और आप यहाँ पर रोल नंबर जो लिखे हैं, रोल नंबर भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि आपको रोल नंबर और कोई से लिखने, रोल नंबर चेंज करोगे। अब आपको क्या करना है, सिर्फ सब्जेक्ट के नंबर डालने हैं, आप जैसे जैसे सब्जेक्ट के नंबर यहाँ पर टाइप करते जाएंगे देख देख कर, यहाँ पर ऑटोमेटिक आता जाएगा, उनका रिजल्ट बनता जाएगा, आपको बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर ये क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अपन ने यहाँ पर एक भी स्टूडेंट फेल नहीं है, जैसे ये फेल होगा हजार, ठीक है, 0 है, ठीक है, देखो सभी पास है। अगर ये स्टूडेंट फेल होता है, जैसे कि हमने इसको 23 नंबर दे देते हैं, देखो सब लिया पहला, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से मान लो कि ये स्टूडेंट, ये वाला जो डाटा है वो 9th क्लास मतलब 8th क्लास के स्टूडेंट्स का है, वो स्टूडेंट 9th क्लास में है, तो आप उनको भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इस तरह से आपको क्या करना है, सिर्फ एक बार फॉर्मूला लगाना है, आप जब तक चाहें इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना है कि जिस सेल में कोई भी फॉर्मूला लगा है उसको डिलीट नहीं करना, जहां आपका डाटा है सिर्फ आपको उसको डिलीट करना, कर लेंगे, ठीक है। आप कोई डाउट है मार्कशीट में, कोई डाउट नहीं,